सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमेश को और साथ ही साथ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमेश में। दोस्तों आज से एक रोज पहले ही हमने एक जीके का फर्स्ट वीडियो डाला था, ठीक है, जिसमें आप लोग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मतलब इसके लेकर के आज हम जीके का ही अगला सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज पार्ट टू लाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जीके का जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है, सारा ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे, क्योंकि जीके को याद रखना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो याद करने में काफ़ी आसानी होगा और ये लंबे समय तक भी हमें याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सपोर्ट करते रहें। और जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो उसी बेसिस पर हम आज दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत के राज्य घटते क्रम में क्या है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से बताना है भारत का राज्य, स्टेट के बारे में पूछा है, ठीक है। दोस्तों इसका हमने ट्रिक बनाया है, ठीक है, इसका हमने ट्रिक बनाया है, यूपी में मारा बिहारी के गाल पर तब निकला आ, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर तब निकला आ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रिक है, ठीक है, आप देखते हैं कि इससे हमारा क्या इसका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। ट्रिक हमारा है, इसको हमको थोड़ा दो चार बार पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा और काफी लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। कह रहा कि यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर तब निकला आ, ठीक है, इससे ही हमारा सारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा जो घटते क्रम में बोला है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, पहला देखते हैं यूपी, यूपी से दोस्तों ऐसे ही पता चल रहा है कि यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है, तो यूपी का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहला तो निकल गया हमारा, यूपी का मतलब निकल गया उत्तर प्रदेश होता है, ने साइलेंट है, मारा, दूसरा देखते हैं ये जो है मारा है, ठीक है। तो दोस्तों मारा को, मारा से मेरा इसमें जो ट्रिक का माध्यम से मारा का मतलब महाराष्ट्र होता है, ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, हमको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, मारा का मतलब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ठीक है, मारा का मतलब महाराष्ट्र है, ठीक है। मारा खत्म हो गया, बिहारी का मतलब सिंपल सी देखो चल सही पता है, ट्रिक से माध्यम से पता चलता है कि बिहारी का मतलब बिहारी होगा, ठीक। ये तीसरा जो बिहारी है इसका अर्थ बिहार हो जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ बिहार हो गया, ठीक है। हमने अभी तक तीन निकाला है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार निकाला है, ठीक है, उसके बाद गाल है, ठीक है, ये के साइलेंट है, ठीक है। अब गाल, गाल हमको दोस्तों पकड़ना है कि किस स्टेट मतलब किस राज्य के नाम में गाल शब्द का प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चौथा हो जाएगा जो गाल है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारा स्टेट का नाम पर हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा जो बंगाल जो होता है, बंगाल में बंग के बाद जो लेटर आता मतलब शब्द आता है वो गाल होता है, तो इससे हमारा गाल से बन जाएगा बंगाल, बंगाल हो गया, ठीक है, कितना आसानी से निकल गया दोस्तों, देखना होगा, ठीक। और उसके बाद ये पर तब और निकला, ये सारा साइलेंट है, बस ट्री को बनाने के लिए हम जो रहा है, लास्ट के ये जो आ है बस इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है पांच, पांचवा जो निकलेगा जो आ जो है इसका अर्थ हमारा दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन पूछे हुआ था कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत के राज्य
घटते क्रम में हमको बताना था, ठीक है, मतलब ज्यादा से कम के बारे में बताना था। हमारे ट्रिक दिया था यूपी ने मारा बिहार के गाल पर तब निकला आ, ठीक है। तो जो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश होता है, मारा का मतलब महाराष्ट्र हुआ, बिहारी का मतलब बिहार हुआ, और गाल का मतलब बंगाल हो गया, आ का मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। बिना देर किए दूसरे क्वेश्चन देखते क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन कहता है कुछ अनुवांशिक रोग को याद करने का तरीका, ठीक है। अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहता है, ठीक है, उस रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका हमने क्या ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से रोग निकल के बाहर आता है। हमारा ट्रिक है बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत छोटा ट्रिक है, वही क्लिप, बस हमारा यही ट्रिक है, ट्रिक है वही क्लिप, बस इससे जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला देखते हैं क्या निकल के आता है। पहला वह है, पहला लेटर जो है वही का पहला लेटर वह है, ठीक है। तो वह से निकल के आता है वर्ण धाता, वर्ण धाता, ठीक है। पहला वह जो है वह से निकल के हमारा आता है वर्ण धाता। दूसरा है, दूसरा इसका अक्षर है ही, ठीक है। ही से हमारा निकल के आता है, ही से होता है हीमोफीलिया, ही मो फी ली या, ठीक है। तीसरा दूसरा जो है हमारा ही से हीमोफीलिया हो जाता है। तीसरा है क्ली, तो कोई दोस्तों इसमें क्लिप है लेकिन हम इसको दो पार्ट में भागेंगे, क्ली और प अलग अलग बांटेंगे, ठीक है। तो क्ली का पहले निकालेंगे उसके बाद प का निकालेंगे, ठीक है। तो क्ली क्ली से दोस्तों क्या देख लेते हैं, क्ली का हमने निकाला है क्लीने फिल्टर। तीसरा क्लिप का मतलब होता है क्लीने फिल्टर, ठीक है। क्ली का जो मतलब था, इसका क्ली का मतलब निकल गया क्लीने फिल्टर। लास्ट में बच गया प, जो चौथा निकल के आएगा प, ये प हो जाएगा, प का मतलब है पटाऊ सिंड्रोम, इसका है नाम पटाऊ पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये इसका तीसरा आंसर निकल गया। दोस्तों बहुत इसका छोटा सा ट्रिक था और काफी आसानी से हम लोगों ने निकाला है। क्वेश्चन बोला था हमारा कुछ अनुवांशिक रोग को याद करने का तरीका जाना था हमको, हमने ट्रिक दिया था वही ट्रिक, ठीक है। जो व का मतलब वर्ण धाता निकला है और ही का मतलब हीमोफीलिया निकला है। इसका क्लिप जो है, क्लिप का हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है। जो क्लिप का मतलब क्लीन फिल्टर हो गया और प का मतलब पटाऊ सिंड्रोम हो गया, ठीक है दोस्तों। प्लीज आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलेंगे अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखा है, ठीक है, और प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका रूल, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल के परत के नाम ट्रिक के माध्यम से निकालना है, ठीक। और इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको हम देखते हैं इसका ट्रिक हमने क्या बनाया है। इसका ट्रिक बहुत अच्छा है, देख ट्रिक क्या है इसका, छोरा सबको वो आया बाहर, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। छोरा सबको वो आया बाहर, ठीक है। इसके माध्यम से ये सारे जो पांच जो परत होती है ये सारे परत इससे हम निकालेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं क्या है, पहला है छोरा, देखो छोरा जो है, छोरा से हमारा निकल जाता है शोभ मंडल, शोभ मंडल, ठीक है। हमारा छोरा से शोभ मंडल ये
निकल गया, ठीक है, जो पहला निकल गया। दूसरा हमारा निकल जाएगा सबको है, ठीक है। तो सबको, सबको से दोस्तों देखते हैं क्या निकलता है। सबको से दोस्तों हो जाएगा समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। सबको से हमारा निकल गया समताप मंडल, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा हमारा ओ है, ठीक है। ओ से देखिए क्या निकलता है। ओ से निकल जाएगा ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा 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 निकल जाएगा आया, ठीक है। आया से हमारा हो जाता है, ये जो आया है, आया से देखते क्या होता है। आया से हो जाता है आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है। और लास्ट बच गया पांचवा बाहर, ठीक है। बाहर से जाता है बेह मंडल, पांचवा जो होता है बाहर। बाहर से दोस्तों, बाहर जो वाला जो ट्रिक है, इससे हमारा हो जाता है वायुमंडल, ठीक है। ये हमारा दोस्तों ट्रिक था, और इसके माध्यम से हमने पांच जो परत होती है वायुमंडल में, जो पांचों परत हमने निकालना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन करा था कि वायुमंडल के परत के नाम ट्रिक से निकालना है, ठीक है। जिसको हमने ट्रिक दिया था, छोरा सबको वो आया बाहर, ठीक है। छोरा सबको वो आया बाहर, ठीक है। छोरा से हमने निकाला छोर मंडल, सबको से निकाला संताप मंडल, ओ से ओजोन मंडल, आया से आयन मंडल, और बाहर से वायु मंडल, ठीक है। इस तरह से हमारा पांचों मंडल, पांचों वायुमंडल का जो परत है, जो पांचों निकल के बाहर आ गए, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज, आप लोग अच्छा लगता है तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलेंगे इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो गया, आप चौथा क्वेश्चन देख। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, आज का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कहता है राजस्थान के सीमा से सटे गुजरात के जिला का नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान से, राजस्थान का जो सीमा है उसके सटे जो गुजरात जो जिला है, गुजरात जो राज्य है, उसके जिले का नाम बताना है, ठीक है। जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। इसका हमने ट्रिक देखिए दोस्तों क्या बनाया ट्रिक, इसका ट्रिक के माध्यम से इसको भी हम निकालेंगे, ठीक है। इसका ट्रिक हमने बनाया है सादा पंच कब बना, ठीक है। सादा पंच कब बना, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ट्रिक है, सादा पंच कब बना, ठीक है। तो इसके माध्यम से ही हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखते हैं क्या इससे निकल के बाहर आता है। पहले सादा का पहला सा है, ठीक। तो पहला सा से निकलता है सावन काठा, ठीक है। सा से हमारा निकल के आता है सावन काठा, ठीक है। एक पहला जिला निकल गया। दूसरा जिला जो है ये दा है, ये दा से देखिए क्या तो निकल के आता है, दा से निकल के आता है दाहोद, ठीक है। दाहोद, ठीक है। दास से हमारा जो दूसरा जिला जो निकल के आया वो जिला है दाहोद। तीसरा अब देखिए पंच है, ठीक है। पंच से देखिए निकल के आता है पंच, पंच से आता है पंचमहल, ठीक है। ये हमारा जिला है जिसका नाम है पंचमहल, ठीक है। ये पंचमहल निकल गया। चौथा देखते हैं कब है, ठीक है। तो कब का जो है, ठीक है, कब का दोस्तों ये बी बहुत जो है साइलेंट है, सिर्फ क का ही निकलेगा, ठीक है। तो क से देखते हैं क्या निकलता है। क से निकलता है कच्छ, जो कच्छ जो गुजरात का एक जिला है जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। आखिरी जो है पांचवा जो देखते हैं निकला बना, ठीक है। तो बना से दोस्तों देखते हैं क्या निकलता है, बना, ठीक है। इससे जो हमारा निकलता है बनासकाठा, इसका नाम है बनासकाठा, ठीक है। ये हमारा गुजरात का आखिरी पांचवा जिला निकला जो राजस्थान की सीमा से सटे हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन हमने बनाया, ठीक है। इसका हमने ट्रिक दिया था सदापंच कब बना, सदापंच कब बना, सदापंच कब बना, इस तरह से हमको थोड़ा दो चार बार पढ़ लेना है, ठीक है। और हो सके तो इसको अगर डायरी नोट में लिखेंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और बेहतर से आसानी से याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन आप लोग वीडियो के एंड तक देखना नहीं भूले, ठीक है। आखिरी एक क्वेश्चन और बनाएंगे जो पांचवा क्वेश्चन होगा, देखिए उसका ट्रिक क्या होता है। तो दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन लिए हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ के फसल का नाम बताना है, ठीक है, ये खरीफ फसल का नाम बताना है, ठीक है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो देखिए और देखिए मेरा ट्रिक क्या है। ट्रिक है आज का लाखरी क्वेश्चन का ट्रिक है, खरीफ फसल निकालने का जो ट्रिक है, जधा मत और गौतम, क्या लिखा हुआ है, जधा जधा मक्त अब गौतम गौतम, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है, आज का ट्रिक है जो जधा मक्त अब गौतम, ठीक है। इसके माध्यम से हम सारा जो भी इसका फसल निकल के आता है उसका सारे बारी बारी से सबका निकालेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है जधा का ज होता है, ठीक है, तो ज से देखते क्या निकलता है, ज इससे हमारा निकल जाएगा ज्वार, ज्वार, ये आपका पहला निकल के ज से आ गया। दूसरा दोस्तों इसका निकालेंगे तो धा है, धा धा है, तो दोस्तों धा से हमारा धान हो जाएगा, ठीक है, धा से धान हो गया, ठीक है। मक्त का जो है सिर्फ म लेते हैं, ठीक है, सिर्फ म लेंगे, तीसरा जो होता है म, ठीक है, जो म से हो जाएगा, जो हमारा निकल के आएगा म से आ जाएगा मूंग, ठीक है, ये मूंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क अत में, ठीक है, क अत इसमें जब क आता है तो पहले इसका चौथा जो है इसका क से देखेंगे, तो क से क्या आता है हमारा दोस्तों, क से आता है कपास, क से कपास निकल गया। पांचवा है दोस्तों त है, जो त है त से देखिए क्या है, त से हमारा निकल के आता है तंबाकू, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू निकल के आता है। छठा देखते हैं क्या निकल के आता है, छठा का जो है अ है, ठीक है, तो अ से निकल के आता है हमारा, अ से हमारा हो जाता है दोस्तों अरहर, जिसको हम लहर भी बोलते हैं, ठीक है। और बच गया इसमें दोस्तों ब है, ठीक, तो ब से हमारा निकल के आता है बाचक, ये जो ब होता है दोस्तों ब से हमारा निकल के आ जाएगा बाजर, ठीक है। गौ है, ठीक है, तो गौ का हम दोस्तों ग लेंगे, ठीक है, तो ग से हमारा निकल के आ जाएगा गन्ना, गन्ना, ये गन्ना हो गया। तम हो गया, तो से हमारा आता है तिलहन, तो से हम निकाल लेंगे दोस्तों, ये हमारा तिलहन हो जाएगा, तिलहन या इसको तिलहन लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो हमारा बच जाता है मौ होता है, जो मौ से आपका हो जाएगा मक्का, ये हमारा मक्का हो गया। तो दोस्तों इतना सारा जो निकल गया है, तो छोटी सी ट्रिक हमको याद रखना है, जधा मक्त अब गौतम, जधा मक्त अब गौतम, इसके माध्यम से इतना सारा निकल के आ गया है। आप दो चार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपको भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरह से अपने नोटबुक में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, आप लोग एंड तक वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।